आज 23 मार्च है, शहादत दिवस है। आज के दिन शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आप सोच सकते हो कि फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन उनके दिल में जो सपना था भारत को लेके कि एक दिन भारत आज़ाद होगा और भारत ऐसा होगा, भारत में सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, भारत में सबको अच्छा इलाज मिलेगा, हमें ये देखना है कि क्या आज उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए जो भी हम सब मिलके कर सकते हैं हमें करना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नफरत नहीं करनी, प्यार और मोहब्बत से। 130 करोड़ लोग, भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। नेताओं ने और पार्टियों ने सब बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर हम 130 करोड़ लोग मिलके एक साथ काम करें तो भगत सिंह के सपनों का भारत बना सकते हैं। राजीव बड़ा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जनता मंत्र पे आज हम भगत सिंह को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल मानते हैं, तो आज शहीद आज़म भगत सिंह की शहादत दिवस है, उसी अवसर के ऊपर हम लोगों ने आज जंतर मंतर के ऊपर एक वो रखा है। तो आप सब आइएगा, वहाँ पे आप भी शिरकत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, लगाएं आपको इसका मतलब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया, ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फ़र्क पड़ गया, लगा लेंगे इसमें। मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। थैंक यू सर, थैंक यू।